सोनभद्र के जुगिया थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत बरगवा के पास तेज रफ्तार ऑटो व बस में जोरदार टक्कर हो गई है, जिससे ऑटो में सवार 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वही स्थानीय लोगों ने डायल 108 को सूचना दी और मौके पर पहुंचे डायल 108 ने तत्काल सभी घायलों को 54 CHC पहुंचा है, जहां एक की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। घायलों में 2 महिला 54 हॉस्पिटल में ANM के पद पर कार्यरत है, जो ऑटो में सवार होकर ड्यूटी करने जा रही थी। सोनभद्र से ब्यूरो चीफ कन्हैया लाल की रिपोर्ट। का नाम? रामनाथ। चोट कैसे लगी? उधर से हम आ रहे थे, बस उधर से टेम्पो में बैठे थे जी, इधर से बस जा रही है। और बस टेम्पो वाला ब्रेक मारा और कम से कम 10 मीटर दूरी से मारा, बस वाला आपको धीरे धीरे जाके एकदम टच हो गया। अच्छा, ढंग से मार दिया। तो किसको किसको चोट लगी है? हमारा हाथ टूटा है। लगभग कई लोग चोटिल होंगे? 5-6 लोग। 5-6 लोग टेम्पो में? बस में भी चोट लगा है? बस में नहीं लगा। आप कैसे आए, एम्बुलेंस से आए कि ऑटो से? मैं तो स्थान नहीं था, कुछ में जगह नहीं था, तो मोटरसाइकिल। कोई सीरियस भी है? कोई सीरियस भी है? सीरियस था। कौन सी जगह पे हुआ था? बड़गवा मोड़ पे। ओपन सीसी में एक एक्सीडेंट का मामला आया है, क्या है पूरा मामला? लगभग शाम के 5 बजे बस और ऑटो अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे थे जी, उसमें लगभग 6 लोग जी, 6 लोग घायल हुए थे, उसमें से एक गंभीर अवस्था में था, जिसमें उसके बाएं हाथ का फ्रैक्चर हुआ था, जिसका नाम रामनाथ था। चतरा और चतरा थाना चौपन से बिलोंग करता था और सभी की हालत स्थिर है, उसको गंभीर अवस्था में उसको जिला अस्पताल। अच्छा, हॉस्पिटल के कुछ ANM भी बताई जा रही है घायल है? हाँ, इसमें एक ANM है, उनको हल्की चोट आई हुई है। वो कहाँ ड्यूटी कर रही थी? उनका ड्यूटी सेमिया में। सेमिया, हाँ जी। थैंक यू। उनकी हालत कैसी है? उनकी हालत स्थिर है, कुछ ज़्यादा गंभीर चोट नहीं लगी है, प्राथमिक उपचार करके उनको भेज दिया गया।